आपको राखी सावंत के इंटरव्यूज उठा उठा के दिखाऊं, किस किस के लिए क्या क्या नहीं बोलते हैं ये। मेरे रोजी रोटी पे लात मार रही है, उसको बंद करने की धमकी दे रही है। अगर राखी सावंत ये बोल रही है कि उसने पैसे खर्च किए हैं, तो ये बात 100% झूठ है। आज अगर मेरा स्टूडियो बंद हो जाता है तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगी? वो एलिगेशन पे एलिगेशन लगाती जाएगी, तो मैं चुप नहीं बैठूँगी और मैं आज ही राखी पे कार्रवाई करूँगी। राखी सावंत, अगर मैंने गटर का ढक्कन खोला तो उसमें से बहुत बदबू आएगी, तो मेरा मुंह जब तक बंद है तो बंद रहने दीजिए। ऐसा दोस्त रखने से बेटर मैं ज़िंदगी भर अकेला रहना पसंद करूँगी। क्या था उसके अंदर आप बताइए? अगर आप, मैं आपको राखी सावंत के इंटरव्यूज़ उठा उठा के दिखाऊं, किस किस के लिए क्या क्या नहीं बोलते हैं ये। हमारे तो शायद ये लफ्ज़ भी नहीं है। मैं बहुत गुस्से में थी उस दिन, जिस दिन उसने सब कुछ मेरे साथ किया है। मैंने बोला, मैंने राखी सावंत को गटर नहीं बोला है। आप मेरा वो इंटरव्यू उठा के देखें, मैंने कहा राखी सावंत, अगर मैंने गटर का ढक्कन खोला तो उसमें से बहुत बदबू आएगी, तो मेरा मुंह जब तक बंद है तो बंद रहने दीजिए। आप मुझे इसमें बताइए, किसी इंसान को मैंने गटर बोला है या मैंने एक एग्जाम्पल दिया है? ये सब एलिगेशंस हैं, तो करिए प्रूफ, लीजिए एक्शन। बट क्योंकि आप दोनों तरफ, आप राखी को भी अच्छे से जानते हैं, अभी फ़िलहाल आप आदिल को सपोर्ट कर रहे हैं, जो आदिल ने बात कही है, राखी ने कहा कि वो न्यूड वीडियोस मेरे उन्होंने बनाए हैं, आदिल ने कहा है कि उसे ये चीज़ें करने का शौक़ था, राखी ने खुद शूट करवाया है या जो भी है, आपकी इसमें क्या राय है? क्योंकि इतना तो आप समझते ही होंगे जितना आप अभी राखी को पहचानते हैं, आदिल को जानते हैं। मैं इसमें टोटली कन्फ्यूज्ड हूँ। कुछ रहस्य होते हैं ज़िंदगी के, जो इंसान अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताता है। मुझे ये सारी चीज़ें कभी नहीं बताई गई है, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड अगर मेरे जैसा हो, इतना अच्छे घर का, एक बिजनेस करने वाली लड़की, अच्छे घर की लड़की, एक डिसेंट लड़की, तो इस वजह से शायद उनको शर्म आई होगी मुझे ये सब कुछ बताने के लिए। उन्होंने मुझसे कभी कोई बात शेयर नहीं की है। आदिल ने एक और चीज़ कही है, जब वो जेल में थे तब राखी ने उनके भाई को भेजा था सेटलमेंट करने के लिए। ओके हाँ, इस पर आपको क्या लगता है कि फिर आदिल ने ये कह के मना किया कि इतने शायद इतना समय हो चुका है, अब ये चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं है? जी, मैंने भी सुना था, आदिल ने किसी इंटरव्यू में ये बात बोली थी कि कोई भाई उनके अंदर आए थे और उन्होंने कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट भी बोला गया था वहाँ पे, एक कोई अमाउंट भी कहा था, फिर इतना अमाउंट आप राखी को दे दो एंड सारे एलिगेशंस आपके हट जाएंगे। राइट साले, सब कुछ एलिगेशन सबके हट जाएंगे। फिर आदिल ने कहा कि अब मैं इतने दिन यहाँ पर रह ही चुका हूँ, तो बाकी की सज़ा भी मैं पूरी करके ही आ जाऊँगा। आदिल ने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपके हिसाब से आदिल का उतने समय तक सज़ा काटना कितना जायज़ था और कितना नहीं? आप मेरी पर्सनल राय जानना चाहते हैं? तो मेरे ख्याल से आदिल डिज़र्व नहीं करते थे इस हद तक सज़ा काटना। हुआ था, बहुत बहुत सारी चीज़ें हुई, हस्बैंड वाइफ है, आप नहीं बनता है, जब हस्बैंड वाइफ होते हैं चीज़ें होती हैं, जितना किया गया था उतना ही करना था, आदिल डिज़र्व नहीं करते थे। अब आपने क्या सोचा है, अब आगे क्या स्टेप आप लोग लेने वाले हैं? जी, मैं जैसे आपने कहा आप लोग, मैं सबके बारे में नहीं कहना चाहूँगी, मैं अपने बारे में कहना चाहूँगी कि मेरा अगला स्टेप क्या है। जैसे आज ही राखी ने मुझ पर एक और एलिगेशन लगा दिया है कि मैंने उसका इंस्टाग्राम हैक करवाया है, वो एलिगेशन पे एलिगेशन लगाती जाएगी, तो मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं भी अपने लिए खड़ी रहूंगी और मैं आज ही राखी पे कार्रवाई करूंगी। और जो कुछ भी राखी ने आप पे एलिगेशन लगाया है, किसी चीज़ का प्रूफ या कोई है ऐसा कुछ जो आप बताना चाहो या दिखाना चाहो? प्रूफ मतलब समझी नहीं। जो भी एलिगेशंस आपको आप पे रखी हैं, जैसे राखी हर चीज़ का प्रूफ ज़रूर दिखाती है, फ़ोटो वीडियो हो या कुछ भी हो, लाइक जो राखी ने जो मुझ पर एलिगेशंस लगाए उसकी पुलिस कंप्लेंट है मेरे पास, क्या आप वो देखना चाहते हैं? आप दिखा सकते हैं।
ये इतने लोगों को दिखा चुकी हूँ कि बेचारी फटने पे आई है। जी, और आप क्या कहना चाहते थे? सो बस यही कि अब आगे के स्टेप्स आपके जो कुछ भी हैं, आप मतलब आप अकेले आप इस चीज़ पे लड़ना चाहती हैं या फिर आप आदिल और शर्लिन आपके साथ हैं आगे भी? अपना मुद्दा अकेले ही लड़ना चाहती हूँ। राखी ने मुझे बदनाम किया है, मेरे रोज़ी रोटी पे आई है, मेरे रोज़ी रोटी पे लात मार रही है, उसको बंद करने की धमकी दे रही है। आज अगर मेरा स्टूडियो बंद हो जाता है तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगी? मेरा स्टाफ कैसे सर्वाइव करेगा? मेरे घर वाले, मेरी फैमिली कैसे सर्वाइव करेंगी? क्योंकि मैं तो कोई एक्ट्रेस नहीं हूँ, मुझे यहाँ वहाँ से कुछ आता नहीं है कि मैं आज यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, मैं इनॉग्रेशन के लिए जा रही हूँ। हमारे पास ये सब कुछ कैसे कहूँ कि ये हमारे पास इस तरीके से कुछ भी काम नहीं आते हैं, राइट? तो मेरा तो ये एक ही बिज़नेस है और मुझे इसी को बचाना है, तो मैं अपने लिए खुद ही खड़ी हूँ। और अगर कल को राखी फिर से आपके पास आती है दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए, तो उस पर आप क्या एक्शन लोगे, क्या करोगे उस पर? ऐसा दोस्त रखने से बेटर मैं ज़िंदगी भर अकेला रहना पसंद करूँगी। एक चीज़ और, कुछ आदिल ने सलमान सर का नाम, सलमान खान का नाम लिया था, इसके बाद राखी ने कहा था कि सलमान सर को बीच में मत लाओ, और फिर क्या आप उस पर आप क्या कहोगी? फिर फराह खान को भी लेकर उन्होंने कहा है कि उन्होंने कुछ मैसेजेस उनको किए हैं, वो चाहती हैं कि वो आकर दिखाएं। ओके, तो आदिल ने सलमान सर का नाम लिया था और राखी कहती है कि सलमान सर को बीच में मत लाओ, ये राखी कह रही है? राखी ने ही सलमान सर को कितने बीच में लाया है? वो कुछ भी हो जाए सलमान भाई, कुछ भी हो जाए सलमान भाई, वो तो ये शो करती है कि दोनों एक बिल्डिंग में रहते हैं, एक अपार्टमेंट में रहते हैं। जैसे वो 5th फ्लोर पे रहती है तो सलमान सर 6th फ्लोर पे रहते हैं। कुछ भी हो जाए सलमान भाई, कुछ भी हो जाए सलमान भाई। राखी सावंत, आप खुद सलमान सर का नाम लेना पहले बंद करो। सलमान सर, मैं नहीं जानती आपके क्या रिश्ते हैं, सच में कितना आपको बहन समझते हैं। सलमान सर बहुत अच्छे हैं, वो सबको बहन समझते हैं, सबकी मदद करते हैं। जो आप दिखाते हो कि नहीं सलमान सर मुझे कॉल करते हैं, सलमान सर मेरी मदद करते हैं, तो मैं आज तक आपको बता दूं, मैं इतने सालों से राखी सावंत के साथ में हूं, मैंने आज तक राखी को सलमान सर के साथ बात करते हुए भी नहीं देखा है, कभी कोई कॉल आता हुआ नहीं देखा है। एक बड़ा खुलासा कर दूँ, राखी सावंत के मोबाइल में सलमान सर का नंबर भी नहीं है। ओके, उनके पास उनका पर्सनल नंबर भी नहीं है। वो जो शेरा है उनके साथ में, जो सर के साथ में जो रहते हैं, बार बार ये उनको कांटेक्ट करती है और कहती है यार शेरा तो मेरी बात ही नहीं करवाता सर से। तो ये बात है, राखी सावंत बिना मतलब सबके नाम यूज़ करती है। देखिए, हर कोई आज बहुत ऊंचे दर्जे पे है, हर किसी की आज बहुत इज्जत है, सलमान सर की बहुत इज्जत है, लोग उनको देवता मानते हैं। आप एक छोटी मोटी अपनी लड़ाइयों में ना सर को ना घसीटे, सलमान सर का नाम आप खुद लेना बंद कर दो। आदिल ने सलमान सर का नाम नहीं लिया था, उसको शायद क्वेश्चन किया गया था तो उन्होंने उसका जवाब दिया था। और आपने और बोला मुझे कि जी फराह खान मैम, मुझे नहीं पता इन्होंने कब मैसेजेस किए थे उनको भी। फराह खान मैम की बहुत रिस्पेक्ट है इंडस्ट्री में और मेरे नज़र में और सबकी नज़र में। तो आप अब सलमान खान करके थक गए, अब आपने फराह खान मैम का नाम लेना स्टार्ट कर दिया। आप ये सब बंद करें, ये लोग बहुत अच्छे बहुत रिस्पेक्ट वाले लोग हैं, आपके मैटर में कोई नहीं आना चाहता है। आपके ये झूठे एलिगेशंस जो आप सब पे लगा रही हो ना, ये आप ही को प्रूव करना है। आप क्या सोचती हो राखी सावंत, आप बड़े बड़े लोगों का नाम लोगी और लोगों को डराओगी? जैसे कल का ही एक ये है, आदिल का एक इंटरव्यू बाहर आया है, राखी सावंत ने उनके ऊपर कल शाम को कुछ एक कंप्लेंट की कि किसी को आदिल ने किसी के पैसे लिए, ठगा है एंड ऑल सब कुछ। और कल रात को ये बात का खुलासा हुआ है कि वो बात झूठ थी, राखी सावंत ने उनसे ज़बरदस्ती करवाई थी। तो क्या ये सारे ये छोटे छोटे जो तुम्हारे एलिगेशंस हैं, इन सब के वजह से आप बड़े बड़े लोगों का नाम खराब करती हो? राखी सावंत, क्यों लेती हो किसी का भी नाम?
आप अपने पे अपने मुद्दे पे खड़े रहिए ना, दूसरों के नाम इन्वॉल्व करके आप जो हमारे ऊपर झूठे एलिगेशंस लगा रही हो वो क्या सच हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। जब राखी जेल गई थी तब राखी सॉरी जब आदिल जेल गए थे तब राखी ने ये कहा था कि उन्होंने काफ़ी सारे पैसे खर्च किए हैं आदिल पे, लेकिन अभी आदिल ने ये कहा है कि वो लाख लाख रुपए के ड्रेसेस दिलवाते थे राखी को, शॉपिंग कराते थे, दुबई में स्टूडियो उन्होंने खोला था। आपको क्या जानकारी है इसके बारे में? मैंने आदिल को देखा है पैसे खर्च करते हुए, ऑलवेज देखा है। जब हम मैं आपको बताती हूँ, जब राखी बिग बॉस थी, मराठी बिग बॉस गई हुई थी, तो उसको जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, सामान की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो मुझे कॉल करवाती थी। बिग बॉस से मुझे फ़ोन आता था और आदिल को कॉल आता था, तो आधी चीज़ें मैं ख़रीदती थी और आधी चीज़ें आदिल ख़रीदते थे, और फिर ये बिग बॉस मेरा ड्राइवर जाके वहाँ तक जाके दे के आता था। मैंने ऑलवेज आदिल को खर्चा करते हुए देखा है और राखी को आज तक अपने खुद के कॉफ़ी के पैसे देते हुए नहीं देखा है। मैंने कल एक इंटरव्यू में कहा है कि राखी सावंत किसी को अपना बुखार तक ना दे, किसी को 100 रुपये क्या देगी? मतलब जो भी राखी ने कहा है वो सब झूठ है? बिल्कुल झूठ है। मैं इस बात को सरासर झुठलाती हूँ कि राखी सावंत पैसे खर्च कर सकती है। अगर राखी सावंत ये बोल रही है कि उसने पैसे खर्च किए हैं, तो ये बात 100% झूठ है। ऊपर से भगवान आके भी नीचे बैठेंगे और मुझे बोलेंगे कि नहीं राश्री, मैंने देखा है राखी को पैसे खर्च करते हुए, तो मैं भगवान जी को कहूँगी, भगवान जी आपको नहीं पता है मैंने कितना पैसा खर्च किया है राखी के पीछे। राखी कभी भी पैसे खर्च नहीं करती किसी के ऊपर। वेल, थैंक यू सो मच हमारे साथ इतनी सारी बातें करने के लिए। एट लास्ट आप क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से कि कैसे आप लोग ये लड़ाई जीतने वाले हो, या क्या प्लान है, या राखी को कोई मैसेज? जी, मैं ऑडियंस को देना चाहूँगी, उसके बाद राखी को। मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगी, देखिए मैं नेल आर्ट स्टूडियो चलाती हूँ, मेरा लेडीज़ नेल आर्ट स्टूडियो है, जो मेरा स्टूडियो है सिर्फ लेडीज़ के लिए काम करता है। राखी मुझ पर झूठे एलिगेशंस लगा रही है क्योंकि अब राखी मेरा उपयोग नहीं कर पा रही है, तो प्लीज़ जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मुझे आज तक मुझ पर ट्रस्ट करके मुझे यहाँ तक लेके आए, आज 12 साल हो चुके हैं, हमेशा मेरे साथ रहिए, मुझ पर ट्रस्ट करिए। राखी जैसे लोग, ये एक सीज़न होता है, राखी का सीज़न होता है, जैसे 4 सीज़न आते हैं हमारे यहाँ, वैसे एक राखी का सीज़न आता है बीच बीच में। ये राखी का सीज़न आया हुआ है, अब ये मुझ पर एलिगेशन कर रही है, कल किसी और पे, परसों किसी और पे, तो आप उसकी बातों में ना आए, हमेशा मुझ पर ट्रस्ट रखें। और राखी सावंत को मेरा मैसेज है, राखी सावंत आपको केवल झूठे एलिगेशंस लगाने आते हैं, अभी भी मुझे पता है आपकी तरफ से मुझ पर बहुत झूठे एलिगेशंस आएंगे, उसके साथ आप प्रूफ भी रेडी रखिए। आप कुछ भी बोलती हो, कुछ भी, ये हुआ वो हुआ, व्हाट ड्रिंक किया, क्या पिया, सम शॉट्स पिए, ये सब बेकार की बातें हैं, इसमें कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से। कल बोलोगी मैंने कॉफ़ी पी, सब बेकार की बातें हैं। आप झूठे एलिगेशन जब लेके आ रही हो तो प्रूफ लेके आओ।